सो गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ लकड़ी लेने। तो अभी मैं एक लकड़ी लेके आऊँगा छान के लिए, जो कि उधर है नीचे। काट तो रखी है पर वहाँ पे भी उसको वापस लाना है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे लकड़ी को लाते हैं छान के लिए और कितनी बड़ी होती है। ठीक है, आप लोग चौंक मत जाना, क्योंकि गांव में जो होती है वो बारीक लकड़ियाँ जलाते हैं हम लोग। तो छाने में क्या होता है, बड़ी बड़ी लकड़ियों को लगाते हैं और उसके साथ एक दो छोटी लकड़ियाँ जलाते हैं। लच्ची अभी आपको दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरे को कुछ नई चीज़ मिली है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो हमें मिला है यहाँ पे मशरूम, इसे हम लोग मशरूम कहते हैं, जंगली मशरूम होता है। तो इसकी जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है। और ये ऑलरेडी किसी ने निकाल के ले गए यहाँ से, ये देखो। नहीं तो इतना कम नहीं होता है, एक जगह पे बहुत सारा होता है। तो इसकी जो सब्ज़ी होती है काफ़ी टेस्टी होती है। तो आप लोगों ने तो खाया होगा, पर ये डिफरेंट वाला है थोड़ा। देख लो आप, थोड़ा रेड रेड है और टेस्टी भी काफ़ी होता है। ठीक है, चलो चलते हैं, हम अपने लकड़ी लाते हैं नीचे से। फुट जाता है ठाने का। ओ अच्छा, चलो ये डायरेक्ट प्लान वाली चीज है। डायरेक्ट वाला एक बोल हानी वाला थे। हां वो थारे वाला उठा लेनी, देख लो पकड़ रहता थोड़ा फाड़ के नहीं हो। चल 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 तो आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग काफ़ी अच्छी जगह रह रहे हैं, लेकिन अच्छा भी है लेकिन सर्वाइव करना थोड़ा टफ भी है। ये देखो अभी मैं कितनी दूर से आया, उधर से उधर जाना है मेरे को। रास्ता देख सकते हैं आप लोग कितना, यहाँ से उठाना है अभी मैंने ये वाली लकड़ी और ऊपर के लिए ले जाना है। तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा हमें। देखते हैं अभी इसका कितना ज़्यादा वजन है। गाइस, मैंने इसको लिफ्ट अप तो कर लिया, लेकिन अभी मेरे को जाना है बहुत दूर। तो अभी कितना ज़्यादा टफ होने वाला मेरे लिए, तो अभी आप लोग देख रहे हैं। यार मज़ा तो है, वैसे हम लोगों को पता चलता है असली लाइफ का कि हमें किस तरह से जीना होता है। एक्चुअल में सिटी वाली लाइफ पैसों वाली लाइफ होती है, लेकिन यहाँ हम लोगों को सब कुछ कुछ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा यहाँ सर्वाइव करना टफ है। रास्ता देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भारी हो रहा है। बहुत टाइम से मैंने ये वाला काम किया नहीं था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा भारी लग रहा है। नहीं तो हम लोग जब हम छोटे थे तो हमारा काफ़ी सारा टाइम यहाँ कटता था छानियों में। हम लोग आते रहते थे बचपन में, तो आते रहते थे। उसके बाद स्कूल जब छुट्टियाँ पड़ती थी तो सीधा ही हम लोग ऊपर ही आ जाया करते थे। अभी मुझे बहुत ऊपर जाना है और मेरी यहीं पे वाट लग चुकी है। यहाँ पे मौसम तो आप देख ही सकते हो कितना मस्त हो रहा है। चलो गाइस, मिलते हैं आपको आगे।